बीजेपी का कार्यालय खोला गया। नगर पालिका चुनाव के प्रभारी भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्यामलाल मीना बीजेपी के कार्यकर्ताओं, टोडा भीम कस्बे में वार्ड 7 का प्रत्याशी अमित कुमार पारिक घर घर जाकर कर रहा है प्रचार। नगर पालिका के प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, सभी पार्षद अच्छे बहुमत से जीत हासिल करेंगे। वार्ड नंबर 7 का प्रत्याशी अमित कुमार पारिक ने कहा, सभी गरीब भाई को रोजगार दिलाऊंगा, गली मोहल्ले में गंदगी को साफ कराऊंगा व पानी बिजली सड़क की टूट फूट को सही कराऊंगा। वार्ड नंबर 7 से वार्ड नंबर पार्षद में अमित कुमार को टिकट दिया है, इसके बारे में क्या कहना? अमित कुमार पारिक जी वार्ड 7 से हमारे प्रत्याशी हैं और ये कर्मठ और बहुत मेहनती, पूर्व में भी ये पार्षद रहे और इन्होंने वार्ड में कई पिछले टाइम में कई विकास के कार्य किए। मैं समझता हूँ इस वार्ड के निवासियों को बहुत कुछ डेवलपमेंट के लिए और आपसी सौहार्दपूर्ण और भाईचारा बढ़ाने के लिए काम करेंगे और एक सफल जो है पार्षद साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको टोडा भीम के नगर पालिका क्षेत्र के प्रभारी बनाए जी, तो जितने भी आपका कैंडिडेट खड़े हैं चेयरमैन के लिए, पार्षद के लिए, इसके बारे में और बताओ। टोडा भीम नगर पालिका में जितने भी भाजपा के उम्मीदवार हैं, हमने टिकाऊ और जिताऊ दोनों को और स्वच्छ छवि को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन किया है और मैं समझता हूं कि अधिकांशतः लोग जीत कर आएंगे और टोडा भीम नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनेगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। आपका नाम था? ब्रजकिशोर उपाध्याय। पूरा वो बताएं। ब्रजकिशोर उपाध्याय, प्रभारी नगर पालिका टोडा भीम। तो नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी अपने जो ये पार्षदों को टिकट दिए हैं, घर घर आप आज ही अपना कार्यालय खुला है अमित पारिक जी का, इसके बारे में क्या कहना है? देखो जितने भी टिकट दिए हैं उनके हम कार्यालय खुलवा रहे हैं, सबके कईयों के खुलवा चुके हैं। आज अमित पारिक जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ और अमित पारिक जी तो बहुत पुराने कार्यकर्ता है और अच्छे वोटों से जीतेंगे। आपका नाम था? श्यामलाल मीना। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट।